नमस्कार, चक दे क्रिकेट में स्वागत है सभी क्रिकेट लवर्स का। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। आज है 17 मार्च 2021। चलिए जानते हैं क्रिकेट से जुड़ी आज के टॉप 11 खबरों को। बिना दर्शकों के खेले जाएंगे सीरीज के आखिरी तीनों मुकाबले। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की मौजूदा सीरीज के बचे तीनों मैच बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। आपको बता दें, पूरी T20 सीरीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इसी सिलसिले में GCA यानी गुजरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष धनराज नथवानी ने बताया कि 16, 18 और 20 मार्च को होने वाले मैचों के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को उनके टिकटों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए BCCI से सलाह के बाद ही यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच भी बिना दर्शकों के हुआ था, जबकि दूसरे मैच के लिए 50% दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की इजाज़त दी गई थी। स्लो ओवर रेट के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम पर लगा जुर्माना। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में धीमी ओवर गति के लिए श्रीलंका पर मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया गया है। श्रीलंका के हरफन मौला धनुष्का गुनातिलिका को भी मैच में निकोलस पुरन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाई गई। ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने जुर्माना लगाया। श्रीलंका की टीम निर्धारित समय में 2 ओवर पीछे रह गई थी। ICC ने एक बयान में कहा, खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए ICC की आचार संहिता के तहत खिलाड़ियों पर धीमी ओवर गति के लिए प्रति ओवर 20% जुर्माना लगाया गया जाए। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स। दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स की टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बांग्लादेश की टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। सलामी बल्लेबाज एंड्रयू पाटिक की नाबाद 84 रनों की पारी और मॉर्नी वैन वाइक की 69 रनों की नाबाद पारी के बदौलत दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 4 अंक हासिल किए और अंक तालिका में 16 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। अंक तालिका में सर्वाधिक 20 अंकों के साथ भारत की टीम शीर्ष पर है, जबकि श्रीलंका की टीम भी 20 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है। बता दें कि बांग्लादेश लेजेंड्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बिना विकेट गंवाए 19.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। आपको बता दें कि रोड सेफ्टी सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भारत की थी, जिसके बाद श्रीलंका ने अपनी जगह सेमीफाइनल में बनाई और अब दक्षिण अफ्रीका तीसरी टीम है जिसने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स IPL का आधिकारिक पार्टनर बना। देश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल ब्रोकरेज फर्म अपस्टॉक्स अब IPL का आधिकारिक पार्टनर होगा। इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। IPL के साथ अपस्टॉक्स का करार 1 साल से ज़्यादा का हुआ है। इस मौके पर IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा कि हम IPL 2021 के आधिकारिक साझेदार के रूप में अपस्टॉक्स को लेकर खुश हैं। भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट लीग IPL अपस्टॉक के साथ मिलकर दर्शकों पर बड़ा प्रभाव पैदा कर सकती है। 20 मार्च से शुरू हो जाएगा बिहार क्रिकेट लीग। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA 20 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 तक बिहार क्रिकेट लीग यानी BCL का आयोजन करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 5 टीमें भाग ले रही हैं। BCA से जुड़े खिलाड़ियां ही BCL का हिस्सा हैं। टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अभिषेक शुक्ला, अभिमन्यु सिंह और हर्ष जैन शामिल थे। अभिमन्यु सिंह ने बताया कि 20 से 26 मार्च 2021 तक पटना के ऊर्जा स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन होगा। क्रिकेट लीग में RP सिंह के अलावा सनत जयसूर्या, तिलक रत्न दिलसान और प्रवीण आमरे जैसे कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी मेंटर की भूमिका में होंगे। लीग में खिताब जीतने वाली टीम को 15 लाख की इनामी राशि भी मिलेगी। उपविजेता टीम को 10 लाख की इनामी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस लीग का सीधा प्रसारण भी यूरो स्पोर्ट्स चैनल पर होगा। बता दें कि BCA की स्थिति सुधार आने के बाद पहली बार किसी लीग का आयोजन हो रहा है। बिहार के खिलाड़ियों को राज्य में ही IPL के तर्ज पर लीग खेलने का बेहतर मौका मिलेगा। वनडे और T20 में मौका न मिलने पर उठ रहे सवाल पर खुद अश्विन ने दिया शानदार जवाब। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि उनके वनडे और T20 टीम में वापसी का सवाल हास्यास्पद है, क्योंकि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संतुष्ट हैं। अश्विन भारतीय टेस्ट टीम का लगातार हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जुलाई 2017 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सीमित ओवरों का मैच नहीं खेला है। अश्विन इस दौरान IPL में खेलते रहे हैं। अश्विन ने कहा, कई बार ऐसा समय आता है जब आपको खुद से प्रतिस्पर्धा करनी होती है, लेकिन मैं अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि खुद से कैसे प्रतिस्पर्धा करनी है।
ऑफ स्पिनर ने आगे कहा, जब कोई ये सवाल पूछता है कि मैं वनडे और T20 टीम में कब वापसी करूंगा, तो यह सवाल मुझे हास्यास्पद लगते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी शांति से हूं और जैसा रह रहा हूं वैसे खुश हूं। CSK के फील्डिंग कोच ने दिया MS धोनी की फिटनेस को लेकर बड़ा बयान। IPL इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी भी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इस बीच CSK के फील्डिंग कोच राजीव कुमार ने कप्तान MS धोनी की फिटनेस पर बड़ा बयान दिया है। धोनी इस समय चेन्नई में अभ्यास में व्यस्त हैं। इनसाइड स्पोर्ट्स से बात करते हुए राजीव कुमार ने धोनी के पहले हफ्ते की ट्रेनिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि धोनी कितने स्मार्ट हैं, वे अपने शरीर के बारे में अच्छे से जानते हैं और अपने खेल को भी अच्छे से समझते हैं। 40 साल का हर खिलाड़ी उनकी तरह गेंद को जज नहीं कर पाता। राजीव ने कहा कि धोनी हर सेशन में किसी न किसी योजना के साथ आते हैं और उस पर काम करते हैं और वह काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं। दरअसल IPL 2020 के बाद से ही धोनी मैदान से बाहर हैं और पिछले सीजन में जिस तरह से उनकी अगुवाई में टीम का प्रदर्शन रहा था, उससे फैंस को काफ़ी निराशा हुई थी। धोनी के IPL से भी संन्यास लेने पर चर्चा होने लगी थी। क्रिकेट इतिहास में पहली बार महिला खिलाड़ी देंगी पुरुषों को कोचिंग। पुरुष क्रिकेटरों को अगर कोई महिला कोचिंग देते हुए नजर आए तो इसमें चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा होने जा रहा है। इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट क्लब सेसेक्स ने सोमवार को घोषणा की कि पूर्व खिलाड़ी सारा टेलर आगामी सत्र के लिए क्लब के कोचिंग स्टाफ में शामिल होंगी। एसले राइट भी सेसेक्स कोचिंग स्टाफ में शामिल होंगे। सेसेक्स क्रिकेट आगामी सत्र के लिए अपने कोचिंग स्टाफ को सारा टेलर और एसले राइट को शामिल करने की घोषणा करते हुए बहुत खुश है। ये दोनों क्रिकेटर पूर्णकालिक कोचिंग टीम के साथ काम करेंगे। सारा टेलर क्लब के विकेट कीपरों के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। उन्होंने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में इंग्लैंड के लिए 226 मैच खेले हैं। सारा महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट कीपिंग करने वाली खिलाड़ी हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहली बार किसी महिला को पुरुष टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया है। शिखर धवन पर कपिल देव बोले, अब वो मेरे साथ गोल्फ खेलेंगे। शिखर धवन की गिनती टीम इंडिया के टॉप ओपनर बल्लेबाजों में की जाती है, लेकिन 2 T20 के बाद प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल करने पर सवाल उठने लगे हैं। पहले मैच में धवन सिर्फ 4 रन बना सके थे। इसके बाद दूसरे T20 मैच में उनकी जगह युवा बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया गया था। ईशान किशन ने मैच में 56 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने हालांकि सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में यह बात साफ कर दी कि शिखर धवन को शायद ही अब मौका मिले। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बोर्ड मेंबर में शामिल होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उनसे ईशान किशन और शिखर धवन के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट पर नहीं बल्कि सिर्फ गोल पर बात करेंगे। उन्होंने मजेदार बात यह कही कि वे शिखर धवन को फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि वो भी आए और मेरे साथ गोल्फ खेलें। जैक ब्रैडफोर्ड बोले, वेस्टइंडीज की कप्तानी करना मेरे लिए गर्व की बात। वेस्टइंडीज टेस्ट टीम के नए कप्तान क्रेग ब्रैडफोर्ड ने कहा कि वेस्टइंडीज टीम की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए काफ़ी गर्व की बात है। ब्रैडफोर्ड ने कहा कि उनके लिए जैसन होल्डर से कप्तानी लेना सम्मान की बात है। होल्डर 2015 में टीम के टेस्ट कप्तान बने थे और उन्होंने 37 टेस्ट मैचों में टेस्ट टीम की कप्तानी की है। ब्रैडफोर्ड ने कहा, मैं भगवान को इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा मानना है कि पिछले 5 सालों में होल्डर ने टेस्ट में काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया है, इसलिए उनसे कप्तानी लेना मेरे लिए सम्मान की बात है। कप्तान बनकर खुश हूँ और आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। ब्रैडफोर्ड की कप्तानी में हाल ही में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था, जिसमें काइल मायर्स और रकीम कॉर्नवेल जैसे खिलाड़ियों ने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया था। नियमित टेस्ट कप्तान के रूप में ब्रैडफोर्ड की श्रीलंका के खिलाफ पहली सीरीज होगी। दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 21 मार्च से नॉर्थ साउंड में शुरू होगी। रायपुर में फैंस स्टेडियम में मैच देख सकेंगे, पर नियमों में की गई सख्ती। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज के बचे 3 मैचों में फैंस के आने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। ऐसे में लग रहा था कि रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज पर भी कोरोना की मार पड़ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शासन की ओर से नियमों में सख्ती की गई है, लेकिन पहले की तरह 50% फैंस स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लेजेंड्स की मैच में बड़ी संख्या में फैंस पहुंच रहे हैं। टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। ऐसे में सेमीफाइनल में भी बड़ी संख्या में फैंस के पहुंचने की उम्मीद है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की दर्शक क्षमता 65,000 है। 30,000 फैंस के भारत के सेमीफाइनल मैच में पहुंचने की उम्मीद है। T20 सीरीज के बचे मैच में फैंस के बैन के बाद रायपुर में भी आला अधिकारियों ने बैठक की। इसमें नियमों को लेकर सख्ती करने की बात कही गई है, लेकिन फैंस पर रोक नहीं लगाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना मास्क लगाए दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि फैंस अपने साथ सैनिटाइजर की बोतल नहीं ले जा सकेंगे। खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आयोजक फैंस को सैनिटाइजर देंगे। फैंस के आने पर अभी रोक इसलिए भी नहीं है क्योंकि रायपुर में अन्य बड़े शहरों की तुलना में कोरोना के मामले बहुत कम हैं।
तो ये थे क्रिकेट से जुड़ी आज के टॉप 11 खबर। अब बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल ये है कि आपके अनुसार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में दर्शकों के साथ मैच करवाने का फैसला किस हद तक सही है? आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।